वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रिपरेशन है अल्कीन की, उसको हमने डिस्कस किया, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन विद मैकेनिज्म के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन और रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड इन अल्कीन्स। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन देखें, जिस तरह हमने प्रीवियस अल्कीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को देखा, तो उसमें हमने फेज़ नेचर के हवाले से, फिज़िकल स्टेट हवाले से पढ़ा, सॉल्युबिलिटी के हवाले से पढ़ा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से पढ़ा, ठीक है। तो इसमें भी इस कैटेगरी की जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका रिलेशन शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस से है। फिज़िकल स्टेट, इसके हेडिंग फिज़िकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और कंडक्टेंस, ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। तो यही इसकी जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम फिज़िकल स्टेट को हम डिस्कस करते हैं। फिज़िकल स्टेट स्टूडेंट, जो अल्कीन हम देखें, अगर 1 से 4 कार्बन एटम, यानी 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन एटम तक, यानी पहले जो है ना वो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन तक, यानी 4 कार्बन तक, वो गैसेस होती हैं, कलरलेस गैसेस, क्योंकि उसमें कार्बन की तादाद कम है, हाइड्रोजन भी कम है, मोलर मास भी कम है, तो वो गैस फेज में एग्जिस्ट करती है। अल्कीन के जो 5 से 17 कार्बन तक जो अल्कीन होते हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और वो भी कलरलेस होते हैं। और 18 to onward, यानी वो अल्कीन जिनमें कार्बन की जो तादाद है वो 18 से लेकर आगे 19, 20, यानी हायर कार्बन, हायर अल्कीन कहा जाता है उनको, ठीक है ना, वो भी कलरलेस होते हैं और वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। ये था स्टेट के हवाले से कि पता चला कि जो अल्कीन है वो गैसियस फेज में भी हैं, लिक्विड फेज में भी हैं और सॉलिड फेज में भी हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी। अल्कीन शो वीकली पोलर करैक्टर, मीन नॉन पोलर करैक्टर नहीं आता है, वीकली बहुत ही कम ना होने के बराबर। तो सो वी कैन से दैट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व नहीं होते। तो वो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो कोई 2-3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टेट्राक्लोरोमीथेन, ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और अल्कीन वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन मॉलिक्यूलर मास के हवाले से इन्वर्सली है, जिस तरह अल्कीन में भी हमने डिस्कस किया, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा अल्कीन का साइज बड़ा होता जाएगा, ठीक है, वो और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल हैं, लिक्विड उससे कम है और सॉलिड उससे कम सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट स्टूडेंट, नंबर 3 पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये कंपेरेबल व्यू भी है कि अल्कीन के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैं स्टूडेंट्स वो ज़्यादा होते हैं, अल्कीन के कम होते हैं, क्योंकि अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंस है। ये देखें, जो हम इसकी रिएक्टिविटी में भी इसी वजह से शो करेंगे कि अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, अल्कीन से। तो जब अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है अल्कीन से, तो ऑटोमेटिकली जो अल्कीन के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे वो ज़्यादा होंगे और अल्कीन के क्या होंगे, कम होंगे। तो इस तरह लिखा है कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी अल्कीन हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम,
ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये गैसेज हैं, ये लिक्विड है। कार्बन की तादाद कम है, गैसेज हैं, कार्बन की तादाद उससे ज़्यादा होगी लिक्विड है, कार्बन की तादाद और ज़्यादा होगी वो क्या हो गए, सॉलिड हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जिनमें कम है वो गैसेज हैं, उनके मेल्टिंग वॉल्यूम कम होंगे, और आगे लिक्विड हैं उससे वो ज़्यादा होंगे, और सॉलिड के उससे भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ ये देखिए, ये बाहर लिखी एल्केन में भी हमने ये डिस्कशन किया हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन की जैसे तादाद बढ़ेगी, मोलर मास भी, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये हमारे पास, हमने कंपेयर भी किया, मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया, यह मैंने लिखा भी है कि अल्केन के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं किससे, अल्कीन से। अगर आप सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अल्केन का फ़र्ज़ करें चार कार्बन वाला आप ले लें अल्केन, और चार कार्बन वाला अल्कीन ले लें, तो चार कार्बन वाला जो अल्केन है उसको हम कहते हैं ब्यूटेन, और चार कार्बन वाला जो अल्कीन है उसको हम कहते हैं ब्यूटेन। हैमिंग का फार्मूला, दिस इज ब्यूटेन C4H10, और इसका जो है C4H8 ब्यूटीन। तो इसका देखा गया जो बॉइलिंग पॉइंट है, आपने एल्केन में भी पढ़ा है कि जो ब्यूटेन है C4H10 उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ब्यूटीन है C4H8 उसका -6.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्यूटीन से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट अल्कीन से क्या है, ज़्यादा है। वजह क्या है, वजह यह है कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड है, और अल्केन में जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड इज टाइटली पैक्ड, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जो है वो मोर एक्सपोज है, वो लेस फर्मली हेल्ड है बिटवीन दी टू न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी कम है। जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं करता हूँ, नंबर 4 पॉइंट, लेस डेंसर देन वाटर, इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट, ये नॉन कंडक्टिव कंपाउंड हैं, यानी ड्यू टू इट्स नॉन पोलर करैक्टर, नॉन आयनिक नेचर, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो वी कैन से दैट दे आर नॉन कंडक्टिव कंपाउंड्स, इनको हम नॉन कंडक्टिव कंपाउंड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने इसका ये पॉइंट क्लियर किया है, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट हम ये एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी किस में, अल्कीन, बिकॉज यू डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो उस रिएक्शंस ऑफ अल्कीन से पहले हम उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे कि वो किस कैटेगरी की है। तो रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड इन अल्कीन स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट कि मोर रिएक्टिव देन अल्कीन, यानी अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। उसकी वजह मैंने अभी भी आपको बताई, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो वैसे ही है जिस तरह वो अल्केन में है, वो टाइटली पैक्ड है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो मोर एक्सपोज करेक्टर रखता है, वो जकड़ा नहीं हुआ, वो फर्मली हैंडल नहीं है, टाइटली पैक्ड नहीं है, ठीक है, लेस टाइटली पैक्ड। तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। आगे है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड, यानी अगर यहाँ पे मैं अल्कीन का एक मेंबर यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये देखें, ये इथीन द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, और इसमें अनहाइब्रिड ये पी ऑर्बिटल, क्योंकि ये सारे जो पहले बनाए मैंने ये जो है ना वो हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास, तो ये अनहाइब्रिड, ये भी अनहाइब्रिड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और सिग्मा बॉन्ड के नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। किसका, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसको हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का लिंक जो है वो किस से है, पाई बॉन्ड से, तो सो कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड।
तो फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल है, बिटवीन द न्यूक्लियाई है, अलोंग द न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ऊपर है और नीचे है। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस फर्मली हेल्ड, और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो एक जगह पे फिक्स नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन की, कभी वो ऊपर की जानब है कभी वो नीचे की जानब है, यानी प्रोबेबिलिटी कभी ऊपर की जानब है कभी नीचे की जानब है। इस वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन आर लेस फर्मली हेल्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में ऐसे था, ये एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, ऊपर नीचे नहीं मूव करते थे, ठीक है। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कभी ऊपर है कभी नीचे है, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन आर लेस फर्मली हेल्ड, ठीक है। जब वो लेस फर्मली हेल्ड होंगे तो पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। अब दोनों को कंपेयर कर ले, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन आपने पहले पढ़ी एल्केन में भी, मैंने उसकी इनर्टनेस और सिग्मा बॉन्ड का भी ये डिस्कशन किया कि वो टाइटली पैक्ड है, और जो टाइटली पैक्ड होते हैं वो लेस एक्सपोज होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और जो मोर एक्सपोज होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं और वो वीक बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन आर मोर एक्सपोज, पाई इलेक्ट्रॉन मोर एक्सपोज खुले पड़े होते हैं, आसानी से उस पे बाहर से कोई अटैक कर सकता है। जब भी अटैक होना एल्कीन पे तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे अटैक होके पाई बॉन्ड ने ही ब्रेक होना है, जिसके नतीजे में क्या होना है, एडिशन हो रही है, ये जारी बात है कि वो पाई बॉन्ड जब टूट जाएगा तो बाकी जो स्टेबल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड वो एडिड रहेगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन आर मोर एक्सपोज, इजिली ब्रेक वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जब भी बाहर से कोई उस पर अटैक करेगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन यानी उन पर चार्ज कौन सा है, जारी बात है नेगेटिव है, तो बाहर से कौन आएगा जिनको नेगेटिव की जरूरत है, मीन बाहर से अटैक जो करेगा दैट इज डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो पॉजिटिव होंगे और उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। जैसे एच पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखें। अब इलेक्ट्रॉन से लगाव कौन रखेगा, जो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है जारी बात है उन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इन पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे बाहर से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन से लगाव रखने, इलेक्ट्रोफाइल मीन पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है ना, ईजिली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो अटैक कर रहे हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे और डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ये लिखा है फॉर्मिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंपाउंड्स, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है। यानी जब भी इलेक्ट्रोफाइल बाहर से अटैक करेगा वो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शीथ को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद वो जो इलेक्ट्रोफाइल है उस एल्कीन में जाके ऐड हो जाएगा, और उसका डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, यानी उसका पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। स्टूडेंट रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड इन एल्कीन्स। तो मोर रिएक्टिव देन एल्केन, सबसे पहले कंपेयर किया आप ये पॉइंट, ये सारा एक्सप्लेन करने के बाद एंड पे भी इसका कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि जो एल्केन से ये ज़्यादा जो है ना वो एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वजह क्या है कि उसमें पाई बॉन्ड की वजह है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड, यानी एल्कीन में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके बाद जो पाई बॉन्ड बनना है उसमें, ये मैंने अभी समझाया आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे वो बॉन्ड बनाएंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी इधर भी है इधर भी है, तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी है और नीचे भी है। नेक्स्ट, पाई इलेक्ट्रॉन आर लेस फर्मली हेल्ड, ये भी मैंने आपको समझाया। पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड, अगर वो लेस फर्मली हेल्ड है तो पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड से। पाई इलेक्ट्रॉन आर मोर एक्सपोज है, खुले पड़े हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एरिया का बहुत ज़्यादा है, तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो उससे वीक बॉन्ड बनता है, तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ईजिली अटैक बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, आसानी से उस पर पॉजिटिव जो है वो रिएजेंट्स अटैक कर जाएंगे, उसके अल्कीन में जाके ऐड हो जाएंगे, पाई बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। सो फार्मिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंपाउंड्स वो देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट ये था लेक्चर जिसमें मैंने दो पॉइंट को डिस्कस किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन और रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड इन अल्कीन। तो ये सारा थ्योरी के लिहाज से है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, मल्टीपल चॉइस हैं, इसको आप जो है ना अच्छे तरीके से याद करें और इसके कंसेप्ट को समझें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।